अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दी बास किचन। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रिस्पी और टेस्टी टी टाइम स्नैक बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल मार्केट जैसा मसाला काजू बिस्किट। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसमें हम 1 टीस्पून अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। फिर इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब आप इसमें 1/4 कप ऑयल डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि जो मैदा है वो अच्छे से मोइन हो जाए। दोनों हाथों के बीच मसल मसल कर इसे मिक्स करें। हाथ में इसे इस तरह से लेके चेक करें, अगर ये शेप होल्ड कर रहा है इसका मतलब है ये अच्छे से मोइन हो चुका है। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सेमी सॉफ्ट आटा गूंदकर तैयार कर लें। हमें इसे हार्ड ही गूंदना है, जितना हार्ड हम इसे गूंदेंगे उतना ही क्रिस्पी हमारा बिस्किट बनेगा। ये देखिए ये गूंदकर तैयार है, इसे 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए ये मैंने 1 पैकेट मैगी मसाले मैजिक लिया है, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें और एक साइड में रख दें। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। दस मिनट हो गया है, अब आप मैदे को एक बार फिर से गूंद लें और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। अब हम इसको बेल लेंगे, हमें इसे मोटा ही बेलना है। ये देखिए इतना मोटा आप इसे बेल लें। अब हम इसे किसी ढक्कन की मदद से इस तरह से काजू की शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल काजू की तरह लग रहा है ना। सारे पीसेस इसी तरह से कट कर ले आप, उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कढ़ाई में तेल गरम कर लें, जब तेल गरम हो जाए तब आप इसमें मैदे का काजू डालकर इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें, तभी ये अंदर से क्रिस्पी बनेगा। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है ये। अब हम इसे निकाल लेंगे।
जब ये गरम गरम रहे तभी आपको इसके ऊपर मसाला डाल देना है, वरना मसाले जो हैं वो बिस्किट में चिपकेंगे नहीं। तो थोड़ा सा मसाला डालकर आप इसे अच्छे से मिक्स करें, उसके बाद आप दूसरा बैच फ्राई करें। देखिए कितना क्रिस्पी बना है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा और टी टाइम स्नैक के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह दोस्तों, नेक्स्ट संडे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।